Today we are going to learn about the vertebral column and the structure of the thoracic cage. So about the skull bones. What is the skull bone? And the types of skull bones, that is the facial one, cranial one. Then associated bones are there, that is the six are ear ossicle and one is the hyoid bone. So up to this, our all discussion is completed. Now we want to learn about the thoracic cage and the vertebral column. So last lecture में हमने देखा था कि axial जो skeleton है उसमें 8080 bone है और उसमें सबसे पहले जो है वो skull bone important रहते हैं. So skull bone are 29 in number and that 29 number जो है उसको हमने divide किया था. Facial bone जो है वो पर्टिकुलरली 14 है, क्रैनियल बोन जो है वो 8 है और जो एसोसिएटेड बोन्स बोलते हैं इसमें 6 जो है वो ईयर ऑसिकल है एंड 1 जो है वो हायर बोन है. सो यहाँ तक का ऑल डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ है. सो इसके बाद में आज हम वर्टिब्रल कॉलम क्या है और इन शॉर्ट में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके फंक्शंस क्या है, देन थोरेसिक केज क्या रहता है, उसके क्या फंक्शन रहते हैं, इसके बारे में छोटा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे. द नेक्स्ट वन इज अ स्पाइनल कॉलम. सो स्पाइनल कॉलम कंटेन 26 बोन एंड दिस स्पाइनल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल वर्टिब्री विच इज 7 इन नंबर, थोरेसिक वर्टिब्री विच इज 12 इन नंबर, लंबर वर्टिब्री विच इज 5 इन नंबर, सैक्रम 1 इन नंबर एंड कॉसिक्स 1 इन नंबर. जो अपना स्पाइनल कॉलम है और स्पाइन है उसमें 26 बोन रहते हैं और ये जो बोन है उनको डिवाइड किया गया है सर्वाइकल. जो गर्दन के बोन रहते हैं उनको सर्वाइकल बोलते हैं, जो पीठ के बोन है उनको थोरेसिक बोलते हैं. जो गर्दन रहती है उसमें 7 वर्टिब्रिज प्रेजेंट रहती है, जो पीठ का पोर्शन है उसमें 12 वर्टिब्रिज प्रेजेंट रहती है और जो कमर का पोर्शन है उसमें 5 वर्टिब्री, दैट इज द लंबर वर्टिब्री बोलते हैं और कमर के नीचे का जो पोर्शन है उसको सैक्रम बोलते हैं. ये 5 बोन फ्यूज होके उसका 1 बोन तैयार होता है उसको सैक्रम बोलते हैं एंड वन इज द लास्ट वन इज द कॉसिक्स. एक जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉसिक्स ऐसा बोलेंगे. सो कॉसिक्स को हम बोलते हैं टेल बोन. सो अभी आपको समझ में आया. सो नंबर ऑफ बोन इन अ स्पाइनल कॉलम ये कितने रहते हैं, 26 इन नंबर एंड दैट 26 इज डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड द कॉसिक्स वन. सो व्हाट इज मीन बाय द वर्टिब्रल कॉलम. द एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 वर्टिब्री प्लस 1 इज द सैक्रम एंड 1 इज द कॉसिक्स. जो एडल्ट वर्टिब्री रहते हैं उसमें 24 जो है वर्टिब्री प्रेजेंट रहती है, उसमें एक जो है वो सैक्रम रहेगा और एक जो है वो कॉसिक्स रहेगा. अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ बोन इन स्पाइनल कैनल ये कितना है, 26 है. सो वर्टिब्रा विच इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 रीजन. कौन से 3 रीजन थे, फर्स्ट वन इज द सर्वाइकल, उसको कंसिडर कैसा किया जाता है, उसको काउंटिंग कैसा किया जाता है, C1 टू C7, C1, C2, C3 ऐसा उसको काउंट किया जाता है. सो सर्वाइकल में जो रहेगा तो उसको बोलेंगे C1 टू C7. देन सेकेंड वन इज द थोरेसिक, उसे क्या बोलेंगे, T1 टू T12 और इसको ऑल्सो बोलते हैं डॉर्सल स्पाइन. सो इसको D1 टू D12 भी बोलेंगे. देन थर्ड वन इज द लंबर विच इज L1 टू L5. द वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व एंड विथ प्राइमरी कर्वेचर, दैट इज द थोरेसिक एंड सैक्रोकॉपिजल कर्वेचर. आपने देखा होगा जो स्पाइन रहता है उसको कर्वेचर रहते हैं, ऐसा एस शेप्ड रहता है स्पाइन. क्या सीधा रहता है क्या, नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं. सो फर्स्ट वन इज द थोरेसिक एंड सैक्रोकॉपिजल कर्वेचर एंड सेकेंड वन सर्वाइकल एंड लंबर कर्वेचर. सो जो स्पाइन है उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. जो सर्वाइकल रहेंगे गर्दन के उनको क्या बोला है, 7 सर्वाइकल बोन. ओके, कितना है, काउंटिंग कैसा किया जाता है, C1 टू C7, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कर्वेचर. ये जो शेप है उसको सर्वाइकल कर्वेचर बोलेंगे. बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्री.
जो अपनी बैक तैयार करता है उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रे, उसको डिनोट करेंगे T1 से T12 तक। देन लास्टली जो है वो क्या रहेगा, फाइव जो है वो लंबर वर्टिब्रे, विच इज डिनोटेड बाय L1 to L5। देन एकदम लास्ट में जो रहते हैं उसको सैक्रम एंड क्या बोलते हैं, कॉसिक्स बोलते हैं। इधर भी एक कर्वेचर रहता है, इसकी वजह से तो आप प्रॉपर बैठ पाते हैं। सो फ्यूज्ड वर्टिब्री ऑफ सैक्रम एंड कॉसिक्स फ्रॉम सैक्रोकॉकेचियल कर्वेचर। ओके, तो अभी आपको समझ में आया, जो पर्टिकुलरली आपका स्पाइन रहता है वो जो है वो ये शेप्ड है, उसको गर्दन के बोन जो है 7 रहेंगे, पीठ के जो है वो 12 रहेंगे लंबर, या कमर के जो है वो 5 रहेंगे। सैक्रम 5 फ्यूज करके एक तैयार होता है, तो कॉसिक जो है वो 3 to 4 फ्यूज करके एक तैयार हो जाता है। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या रहता है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो एक पर्टिकुलरली कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। एंड में ये जो है इसको सैक्रम एंड ये जो है वो कॉसिक्स रहेगा। आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पाइन स्ट्रक्चर और अ स्पाइनल कॉलम विच इज़ मेड अप ऑफ 26 बोन। नेक्स्ट वी वॉन्ट टू लर्न द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो अभी हमको क्या देखना है, हमने वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखा कैसा रहता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉसिक्स रहते हैं। सो अभी हमको क्या देखना है, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले का फंक्शन, इट सपोर्ट द हेड। ये क्या करेगा, हेड को सपोर्ट करेगा। मीन्स आपका वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन नहीं होता तो आपके हेड को प्लेस होती क्या रखने के लिए, सो इट सपोर्ट अ हेड। देन सेकेंड, इट मेंटेन द बैलेंस इन अपराइट पोजिशन। आपने सोचा क्या कि आप जो स्पाइन है वो नहीं रहता तो आप सीधे हो सकते थे क्या, सीधा खड़ा हो सकते थे क्या, नहीं। सो इट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन अपराइट पोजिशन, आपको सीधा रखने का जो बैलेंस प्रोवाइड करता है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम है। थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इट प्रोटेक्ट एंड एनक्लोज द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो ब्रेन से आ जाती है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इसका प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये थोड़ा भी डैमेज हुई तो आप चल फिर नहीं सकते, सो इट प्रोटेक्ट अ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन फोर्थ वन, परमिट मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवाइज रोटेशन। सो फोर्थ वन क्या है, इट परमिट मूवमेंट। स्पाइन है इसके वजह से आप पीछे आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, साइडवाइज रोटेट हो सकते हैं। सो ये इट परमिट अ मूवमेंट, ये परमिशन देता है मूवमेंट्स करने के लिए। देन फिफ्थ वन, एब्सॉर्ब शॉक ड्यूरिंग द वॉकिंग। एकदम से आपको झटका लगता है चलते चलते तो इमीडिएट आपका क्या टूट जाता है क्या, या इमीडिएट आपका ब्रेन शॉक हो जाता है क्या, नहीं, तो उसका जो पर्टिकुलरली पेन है उसको एब्सॉर्ब करने का काम आपका स्पाइन करता है। देन सिक्स वन, सर्व एज अ पॉइंट फॉर अटैचमेंट फॉर रिब्स। मैंने जब अब कभी थोड़ा सा केज दिखाया था उसमें बोला था कि जो एंटेरियर साइड ऑफ रिब्स अटैच टू द स्टर्नम एंड पोस्टेरियर साइड अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द थोरेसिक स्पाइन। सो ये क्या करता है, इट्स सर्व अटैचमेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ रिब्स, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स के लिए। देन पेल्विस गर्डल, पेल्विस गर्डल किसको बोलते हैं, आपका जो हिप जॉइंट रहता है जो जहाँ से आपका पैर शुरू हो जाता है वहाँ अटैचमेंट प्रोवाइड करना है, वो भी काम आपका स्पाइन करता है। इट हेल्प इन दैट मसल अटैचमेंट, बहुत सारी मसल्स है उनको अटैचमेंट, बैक की जो मसल्स है उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का भी काम आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। सो अभी आपको समझ में आया, वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इट सपोर्ट अ हेड, इट मेंटेन अ बैलेंस इन अ अपराइट पोजिशन, इट एनक्लोज अ स्पाइनल कॉर्ड, इट प्रोटेक्ट अ स्पाइनल कॉर्ड, इट परमिट अ मूवमेंट,
It absorbs a shock during walking. It serves a point of attachment for the ribs, pelvis girdle, and muscle of back and the upper limb. So the limbs. तो ये इमेज में आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दे सकते हैं कि फंक्शन क्या रहता है. सो सबसे पहले इट गिव्स प्लेस फॉर द हेड. हेड को एक जगह प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्पाइन करता है. सेकेंडली इट गिव्स अटैचमेंट फॉर द रिब्स. रिब्स जो है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? आपका स्पाइन करता है. थर्ड वन जो आपका पेक्टोरल गर्डल है या शोल्डर गर्डल है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? आपका स्पाइन करता है. और जो हमने बोला था कि जो पेल्विस गर्डल रहता है, सो दिस वन इज अ पार्ट ऑफ पेल्विस गर्डल. जो नीचे का पैर जहाँ से शुरू होता है वहाँ ऊपर एक हिप जॉइंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विस गर्डल. सो आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पाइन स्ट्रक्चर और अ स्पाइनल कॉलम विच इज मेड अप ऑफ 26 बोन. नेक्स्ट वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट द स्टर्नम एंड रिब्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक केज बोलते हैं. ये जो है ये बना है स्टर्नम वन इन नंबर, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं. देन इसमें रहेंगे 24 जो है वो रिब्स रहेंगे. 24 रिब्स यानी कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे. सो अभी हम जो है वो थोरेसिक केज का स्ट्रक्चर देखेंगे. सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक केज एंड दिस थोरेसिक केज हैविंग अ 25 बोन. ये जो थोरेसिक केज है उसमें कितने बोन्स रहेंगे? 25 बोन्स रहेंगे. उसमें मैंने बोला है कि जो 12 पेयर्स ऑफ क्या रहेंगे? इसमें रिब्स रहेंगे. और उसमें वन जो है ये बीच का जो है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोलते हैं. सो ये जो बीच का पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम? स्टर्नम बोलते हैं. थोरेसिक केज जो है वो रिब्स और स्टर्नम ये दोनों बोन से बनी होती है. सो ये जो थोरेसिक केज है विच इज़ डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज ए, ये जो बीच का है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और जो बाकी के जो है वो रिब्स होते हैं. रिब्स जो है वो कितना रहता है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए ट्रू रिब्स. जो फर्स्ट 7 है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स, विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम. बीच का ये जो बोन रहता है उसको डायरेक्टली अटैच रहती है, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं. 8, 9, 10 आर कॉल्ड एज ए फॉल्स रिब. ये जो 8, 9, 10 जो रहती है उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं रहती. वो जो है वो 7th रिब को क्या करती? इनडायरेक्टली अटैच हो जाती है और वो स्टर्नम को ज्वाइंट हो जाती है. और लास्टली ये जो है 11 और 12 उसको क्या हम बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स. वो सिर्फ क्या रहते हैं? पीछे के साइड में प्रेजेंट रहती है. सो रिब्स जो है वो एंटेरियर साइड से स्टर्नम को अटैच रहती है. तो पोस्टेरियर साइड से ये जो रिब्स है जो हमने स्पाइन देखा था उसको हमने क्या बोला था? थोरेसिक स्पाइन. वो थोरेसिक स्पाइन को पीछे से ज्वाइंट रहती है. ये जो फ्लोटिंग रिब्स आपको दिख रही 11 और 12 नंबर की जो है उसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं. वो एंटेरियर साइड से अटैच नहीं रहती है, सिर्फ पीछे थोरेसिक स्पाइन को अटैच रहती है. सो नेक्स्ट वी वांट टू लर्न अबाउट द स्टर्नम. स्टर्नम इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन. स्टर्नम जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं. और ये जो बोन है वो बीच में सिचुएटेड रहता है थोरेसिक केज में. यहाँ पे दिखाई दिया है ये जो रेड कलर का बोन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं. जो स्टर्नम हैज अ 3 पार्ट्स. जो स्टर्नम है उसको क्या है? 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ए मैनुब्रियम. फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो आपको ट्रेपेजॉइड शेप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? मैनुब्रियम बोलेंगे. इट इज अ ट्रायंगुलर एंड अ ब्रॉड. ये कैसा है? ट्रायंगुलर एंड ब्रॉड. एंड इट कैन बी फाउंड इन द सुपेरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम. सो व्हाट इज मीन बाय द सुपेरियर? सुपेरियर इज अ अपर पार्ट. सो इट इज कॉल्ड एज अ सुपेरियर पोर्शन. सो स्टर्नम के ऊपर के हिस्से में ये जो मैनुब्रियम है ये प्रेजेंट रहता है, इसके लिए सुपेरियर पोर्शन बोला है. सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ बॉडी. जो बीच का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ स्टर्नम. बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ स्टर्नम. एंड बॉडी
इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम. स्टर्नम का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या रहते हैं, बॉडी रहता है. द स्टर्नल एंगल इज वेयर बॉडी जॉइंट्स टू द मैनुब्रियम. यहाँ पे जो एंगल रहता है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नल एंगल, जहाँ पे मैनुब्रियम का जो पार्ट है वो बॉडी को अटैच होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल. अल्सो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं इसको. देन थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज ज़िपोइड प्रोसेस. यहाँ पे एकदम छोटा सा लास्ट में जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ज़िपोइड प्रोसेस. विच वन इज द पॉइंटेड प्रोसेस, कैसा रहता है पॉइंटेड, किस किस में ब्लंट भी रहता है, अलग अलग टाइप का बाइफर्केटेड रहता है या पॉइंटेड रहता है या कर्व्ड रहता है. सो ज़िपोइड प्रोसेस इज अ इन्फेरियर एंड ऑफ द स्टर्नम. अभी मैंने आपको क्या बोला था, सुपेरियर मीन्स अपर पार्ट. सो यह जो है ये क्या है, नीचे प्रेजेंट है. सो इट इज कॉल्ड एज अ इन्फेरियर एंड ऑफ द स्टर्नम. इम्प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन कैन रिजल्ट इन द ज़िपोइड प्रोसेस ब्रेकिंग आउट. तो ये जो है वो एक थोड़ा सा अलग पार्ट है. ये जो ज़िपोइड प्रोसेस है ये एकदम पॉइंटेड रहता है, और ये कहाँ पे रहता है, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट रहता है. आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसके चेस्ट पे ऐसे मारते हैं, उसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन. और ये जो चेस्ट कंप्रेशन है वो टाइम जो ज़िपोइड प्रोसेस है, ये जो पॉइंटेड प्रोसेस है वो ब्रेक हो सकता है. और ब्रेक होने के बाद ये जो है ये प्रॉपर क्या करेगा, आपके हार्ट को हिलाएगा और आपका जो सर्कुलेशन है वो उसको प्रॉपर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा. सो अभी आपको समझ में आया स्टर्नम क्या रहेगा. स्टर्नम इज कॉल्ड एज ए ब्रेस्ट बोन. ये जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा रहता है, ये बीच में सिचुएटेड रहता है. इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, मैनुब्रियम, बॉडी एंड द ज़िपोइड प्रोसेस. सो अभी हमने जो स्टर्नम देखा था उसका जो मैग्नीफाइड व्यू है ये यहाँ पे है. सो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ए मैनुब्रियम. सो ये जो है ये कैसा है, समहाउ ट्रायंगुलर है, वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. क्लेविकुलर नर्व बोलते हैं, क्लेविकल जो हमने बोला था जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं उसको अटैचमेंट करने के लिए यहाँ पे एक नॉच रहता है, उसको क्लेविकुलर नर्व बोलते हैं. देन यहाँ पे अटैचमेंट लिखे है कि फर्स्ट रिब का अटैचमेंट कहाँ पे, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब एंड सिक्स्थ रिब. मैंने तो आपको क्या बोला है कि 12 रिब रहते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम रिब्स को क्या बोलेंगे हम, ट्रू रिब्स. और जो इनडायरेक्टली अटैच रहते हैं यानी कि जो 7th रिब को अटैच रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स. और जो अटैच ही नहीं रहते स्टर्नम को उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे. और एंड में ये जो रहेगा ज़िपोइड प्रोसेस रहेगा. इन्फेरियर पार्ट में ज़िपोइड प्रोसेस, तो सुपेरियर पार्ट में क्या रहेगा, मैनुब्रियम. यहाँ पे ऊपर मैनुब्रियम के ऊपर यहाँ एक जुगलार नॉच रहता है. आपने हाथ भी लगाया आपके नेक के वहाँ पे, तो यहाँ एक आपको स्लॉट और नॉच दिखाई देता है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, जुगलार नॉच बोलते हैं. सो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग टाइप में आपको दिखाने की कोशिश की है कि मैनुब्रियम जो है वो पर्टिकुलरली ग्रीनिश कलर का है, और जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो ब्रॉड पार्ट है, बड़ा लॉन्ग पार्ट है, उसको ब्लूइश कलर का है, और वायलेट कलर का जो है वो ज़िपोइड प्रोसेस है. सो दिस वन इज़ द मैनुब्रियम, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, एंड लास्टली द ज़िपोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम. हेयर इज ऑल्सो अटैचमेंट ऑफ क्लेविकुलर. सो हेयर इज अ क्लेविकुलर नॉच. सो दिस वन इज़ द क्लेविकुलर नॉच, एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट रिब अटैचमेंट, सेकेंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स एंड सेवन्थ रिब अटैच आर देयर. इनडायरेक्टली अटैचमेंट भी यहाँ पे आपको स्लाइटली दिखाई देते हैं. तो जो रिब्स है वो एंटेरियर साइड से स्टर्नम को अटैच रहती है, तो पोस्टेरियर साइड से ये जो है वो आपके थोरैसिक स्पाइन को अटैच रहती है. सो दिस इमेज ऑल्सो शो द एंटेरियर अटैचमेंट ऑफ रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम, वाइल द पोस्टेरियर अटैचमेंट ऑफ रिब्स शोन टू द थोरैसिक स्पाइन. एंड लास्टली द फंक्शन ऑफ थोरैसिक केज. सो फंक्शन ऑफ थोरैसिक केज, इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन विद इन अ थोरैक्स. सो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन. वाइटल मीन जो एकदम डेडिकेटेड ऑर्गन्स रहते हैं उनको वाइटल ऑर्गन, और इनसाइडली सिचुएटेड ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन बोलते हैं. विद इन अ थोरैक्स, जो थोरैक्स रहता है इसके अंदर उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. सो एग्जांपल इज अ हार्ट. हार्ट को क्या करता है, आपका जो थोरैसिक केज है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. सो हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड बाय अ थोरैसिक केज. ऑल्सो
लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थोरेसिक केज, जो लंग्स रहता है उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या रहेगा, थोरेसिक केज। इट्स सपोर्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, आपको मालूम है जब हम सांस लेते हैं तो आपका सांस बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़ोर से लिया तो ऐसा है कि फूल के ज़्यादा बाहर आ जाता है आपका लंग्स, नहीं, सो इट प्रोटेक्ट और इट सपोर्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका थोरेसिक केज। सपोर्ट शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम, मैंने लास्ट इसमें आपको बोला था कि ये जो है ये क्या है, क्लेविकल को अटैचमेंट देता है, सो क्लेविकल को अटैचमेंट देता है तो क्लेविकल इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर अपेंडिकुलर स्केलेटन, जहाँ से आपका हाथ शुरू होता है उसको अटैचमेंट कहाँ पे मिलती है, आपके थोरेसिक केज में, या आपका जो स्टर्नम है उसका जो मैनुब्रियम रहता है वहाँ पे रहती है, सो इट्स सपोर्ट द शोल्डर गर्डल और ऑल्सो इट हेल्प इन द सपोर्ट टू द अपर लिम। अपर लिम जो है अपर पार्ट ऑफ हैंड को बोलते हैं, सो ये जो अपर लिम है लोअर लिम है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर द बैक एंड चेस्ट एंड द शोल्डर मसल, मसल्स भी है आपको मालूम है कि आपका जो थोरेसिक केज है उसके ऊपर बहुत सारे मसल्स है और ये जो मसल है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, ये जो आपका थोरेसिक केज है वो करता है। सो यहाँ पे आपके फंक्शंस ऑफ थोरेसिक केज जो है वो फिनिश हो गए। सो आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द थोरेसिक केज, थोरेसिक केज कंटेन अ 25 बोन एंड दैट 25 बोन इज डिवाइडेड इनटू वन इज द स्टर्नम एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर एंड दीज रिब्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड द फ्लोटिंग रिब्स। True ribs, first 7 ribs which is directly attached to the sternum is called as a true ribs. Indirectly attached to the sternum ribs are called as a false ribs. And without attached to the sternum and only attached to the posterior thoracic spine is called as a floating ribs. These all are the short introduction of axial skeleton. So number of bone in axial skeleton are 8080. Which is divided into a mainly 3 parts, that is the skull bone, then spine and the thoracic cage. In skull it contain a 29 bone, cranium 8, facial 14, ear bone are 6 in number and hyoid 1 in number. In spine there are 26 bone and that 26 bone are divided into cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacrum 1 and the coccyx 1. And lastly the thoracic cage which is made up of sternum and ribs and these contain a sternum 1 in number and thoracic ribs, that is 12 pairs of ribs are there. Here we are complete the discussion related to the axial skeleton, the skeleton which is present at the axis or a center of body is called as a axial skeleton.